नमस्कार दोस्तों, पहले तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आया सुनील नारायण का तूफान और जड़ दिया आईपीएल का अपना पहला ताबड़तोड़ शतक और केकेआर की टीम ने खड़ा कर दिया विशाल स्कोर। लेकिन फिर उसके बाद जोस बटलर ने अटकाई दोनों टीमों की सांसें और इस रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में इस टीम ने जीत दर्ज की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 31वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और केकेआर की टीम के बीच खेला गया, जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम की तरफ से पी साल्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत की। हालांकि इस बार केकेआर की टीम की शुरुआत ज्यादा खास नहीं रही, क्योंकि पी साल्ट 13 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए और 21 रन के स्कोर पर केकेआर की टीम को पहला झटका लगा। फिर उसके बाद रघुवंशी और सुनील नारायण के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। सुनील नारायण एक छोर पर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे छोर पर रघुवंशी भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करके चौके लगा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके केकेआर की टीम को 10 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन तभी रघुवंशी 18 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए और 106 रन के स्कोर पर केकेआर की टीम को दूसरा झटका लगा। फिर उसके बाद सुनील नारायण का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं। सुनील नारायण अर्धशतक बनाकर काफी अच्छी बल्लेबाजी एक छोर पर कर रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर आते ही चहल का शिकार हो जाते और 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो जाते और 133 रन के स्कोर पर केकेआर को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद रसल और नारायण के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दूसरे छोर पर नारायण चौके छक्के लगाकर अपना शतक पूरा करते हैं और फिर उसके बाद रसल भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकते और 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर आवेश खान का शिकार हो जाते हैं और 184 रन के स्कोर पर केकेआर की टीम को चौथा झटका लगता है। और फिर उसके बाद रिंकू सिंह नारायण का साथ निभाने आते हैं, लेकिन नारायण 109 रन के स्कोर पर बोल्ट की यॉर्कर गेंद का शिकार हो जाते हैं और 195 रन के स्कोर पर केकेआर को नारायण के रूप में 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों बल्लेबाज केकेआर को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। रिंकू सिंह 9 गेंदों पर 20 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल करना बाद रहते हैं और केकेआर की टीम को 20 ओवर में 223 रन 6 विकेट के नुकसान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से कुलदीप सैन और आवेश खान ने 2-2 विकेट चटकाए और जवाब में 224 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से जायसवाल और जोस बटलर ने पारी की शुरुआत की। जायसवाल काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा तेजी से खेलने के चक्कर में वो भी 9 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए और 22 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद जोस बटलर का साथ निभाने संजू सैमसंग आते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी संजू सैमसंग भी 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और 47 रन के स्कोर पर राजस्थान को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद जोस बटलर का साथ निभाने रियान प्रयाग आते हैं। रियान प्रयाग आते ही पहली गेंद से चौके छक्के लगाने शुरू करते हैं और दूसरे छोर पर जोस बटलर काफी अच्छी बल्लेबाजी करके स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और रियान प्रयाग तो काफी तेजी से खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी 14 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेलकर रियान प्रयाग हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और 97 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद जोस बटलर का साथ निभाने ध्रुव जुरेल आते हैं, लेकिन वो भी नारायण की गेंद का शिकार हो जाते हैं और ध्रुव जुरेल केवल 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 100 रन के स्कोर पर राजस्थान को चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद जोस बटलर का साथ निभाने रविचंद्रन अश्विन आते हैं। अश्विन काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी वरुण चक्रवर्ती को एक छक्का लगाने के चक्कर में 11 गेंदों पर 8 रनों की धीमी पारी खेलकर आउट हो गई और 121 रन के स्कोर पर राजस्थान को 5वां झटका लगता है। फिर उसकी अगली गेंद पर हटमायर भी आउट हो जाते हैं और राजस्थान रॉयल्स की टीम को 121 रन के स्कोर पर 6ठा झटका लगता है। अब यहां से पूरी तरह से केकेआर की टीम मैच में वापसी कर चुकी थी, लेकिन एक छोर पर जोस बटलर अभी भी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे और फिर उसके बाद उनका साथ निभाने रोमन पोवल आते हैं। रोमन पोवल आते ही शानदार छक्के चौके लगाते और सुनील नारायण की 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका लगाकर इस मुकाबले में पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स की टीम की वापसी करवाते हैं। लेकिन तभी नारायण रोमन पोवल को भी 13 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट कर देते हैं और 178 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को 7वां झटका लगता है। आखिरी 2 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगभग 30 रनों के आसपास जरूरत थी। जोस बटलर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके 19वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स की झोली में इस मुकाबले को लगभग पूरी तरह से डाल देते हैं। अब आखिरी 6 गेंदों पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी और जोस बटलर 98 पे बल्लेबाजी कर रहे थे और जोस बटलर ने शानदार अपना शतक पूरा करके इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम को आखिरी ओवर में शानदार जीत दिलवा दी। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।